अच्छा, फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या क्या मटेरियल या डॉक्यूमेंट चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? कुछ सबमिट ऑनलाइन हार्ड कॉपी या कुछ अपलोड ऐसा नहीं करना है, एक बात ये ध्यान कर लीजिए। तो ऐसा कुछ अपलोड नहीं करना, लेकिन जब फॉर्म फिल करना है, अगर आप ये डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन नज़दीक रखते हैं तो पहली बार में ही आप कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले जो बेसिक है, बताने की शायद ज़रूरत ना हो, आपके डिटेल मार्क्स की इन्फॉर्मेशन, टेंथ की भी और आपके ऑल एग्जामिनेशन, पर्टिकुलर बीए की, आप मतलब ग्रेजुएशन की या बीएससी की, बीटेक की, वट एवर ग्रेजुएशन है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पीजी की भी, और इसके अलावा आपको हायर एजुकेशन अगर आपने की है उसकी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, लेकिन बेसिक क्राइटेरिया ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ही रहेगा। इसके मार्क्स आपको हर हालत में एग्जैक्ट फिल करने हैं। ये क्यों ज़रूरी है? अगर आप ठीक से फिल नहीं करते, क्योंकि रैंक बनना है, मेरिट बननी है, बाद में गड़बड़ होती है, घबराना फिर नहीं है, ईमेल ये देंगे, वहाँ पर आप करेक्ट कर सकते हो, पर पहले से ही आप सही से फिल कीजिए। दूसरा है करेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पर नहीं, फॉर्म में नहीं चाहिए अभी। अच्छा, रेजिडेंस आपने, हाँ ये चाहिए फॉर्म फिल करते वक्त, क्योंकि रेजिडेंस या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक तो ये बात क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 5 साल के लिए वैलिड होता है, तो ये डोमिसाइल इसलिए जरूरी है कि आप पंजाब कोटा फिल करते हो जो 85% है, ठीक है, अगर नॉन पंजाब वाला करते हो तो 15% उस कोटे में आपकी सीट जाएगी। नॉर्मली सीट्स इधर भी खाली रहती हैं, इधर भी खाली रह जाती हैं, लेकिन आपके पास डोमिसाइल बन जाता है जब है 5 साल से पहले का, तभी आप ये फिल कीजिए। ये वेरिफिकेशन के दौरान आप सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अदरवाइज एडमिशन में प्रॉब्लम आएंगी, चक्कर लगेंगे, खर्चा बढ़ेगा, ये सब कुछ पॉसिबल है। दैट इज वाई श्योर कि आपने पंजाब कोटे में जाना है, नॉन पंजाब कोटे में जाना है। रिजर्वेशन कैटेगरी की भी सेम है, ओबीसी एससी है ना, जिसकी भी रिजर्वेशन है कैटेगरी उसके साथ बनेगी, कोई सीट का नज़दीक मिल जाती है तो वो भी आपने पहले से डिसाइड करना है। एक ही कैटेगरी फिल कर सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट कैटेगरी का, जैसे इसका यहाँ का 5 साल का चल जाता है, उससे पीछे का नहीं चलता, लेकिन रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपका एक ही बार बनता है। कई बार डिजिटल सर्टिफिकेट बन रहे हैं, हाँ वो कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन पुराने वाला सर्टिफिकेट अगर आपका बना है, अथॉरिटी कॉम्पिटेंट चाहिए, तो आपका वही चलेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो गड़बड़ होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि 1% मार्क्स या 1 मार्क्स इनको ना वेटेज मिलती है, अगर जितने मार्क्स आपने लिए हैं उसमें ऐड हो जाएंगे। अगर आप रूरल एरिया से स्टडी आपने की हुई है, आप अगर वो क्लेम कर रहे हो, ऑप्शन आएगा आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए कि रूरल एरिया क्लेम है, आप अगर सिर्फ इतना देखते हो कि हाँ जी मैं रूरल में रह रहा हूँ, जब मैंने जी टेंथ वहाँ से की हुई है, तो सफिशेंट नहीं है। इसके लिए कंडीशन है सर्टिफाइड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और सरपंच। अभी सरपंच पर मत जाइए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ही देखिए, खास करके गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, यहाँ से हुआ होना चाहिए। और ये होगा, आगे चल के ये पता चलेगा, आपकी टेंथ भी रूरल से चाहिए और 10+2 भी रूरल से चाहिए, वो दोनों अगर रूरल से हैं और डीओ साइन कर देता है, फिर आप रूरल एरिया को टिक करोगे। अगर आपने रूरल एरिया को टिक कर दिया, आपने सिर्फ 10th क्लास पढ़ी थी, 10+2 नहीं पढ़ी थी, तो आपकी रूरल की वेटेज जो 1% यूनिवर्सिटी ने आपको दे दी थी, वो आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, गड़बड़ हो जाएगी, घबराना नहीं है, सीट मिल जाएगी, लेकिन आपके चक्कर, ईमेल, टेंशन, खर्चा वो बढ़ेगा, 100% ये फर्क पड़ेगा। तो आपने ये क्लेम सोच समझ के लेना है। अगर आपका डीईओ आपके स्कूल का, आपके सिग्नेचर होने हैं, स्कूल के हेड के सिग्नेचर, 10th वाले के और 10+2 वाले के, फिर डीईओ साइन करता कर सकता है, ये श्योर है, है ना, तो आप रूरल क्लेम कीजिए, अदरवाइज ना कीजिए, पंगे में मत करिए। एफिडेविट पर कई जनों ने पूछा भी था, एफिडेविट के रिगार्डिंग गैप चाहिए, जैसे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी गैप सर्टिफिकेट हाँ लेती है, लेकिन कोई भी इसकी रत्ती भर टेंशन नहीं है, हार्डली 150-200-250 रुपया लगता है, तहसील में जाइए, उनके पास वर्डिंग है, और आपने ये बताना है कि इस 3 साल में 2 साल में जो गैप था वहाँ आपने क्या किया, वो आपका नाम, जो फादर्स नेम बेसिक फिल करके, आपको वो कॉज लिख के वर्डिंग है स्टैंप करके, नोटरी की स्टैंप लगा के आपको दे देंगे, तो ये कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं है, गैप तो है ही नहीं है, दूसरी यूनिवर्सिटी तो शायद ये भी मांगती नहीं है। इसके अलावा आपको फॉर्म फिल करने के लिए चाहिए फोटो,
फोटो, डिजिटल फोटो चाहिए। ये रही कि क्या कंडीशन है, पहले से उस साइज में बना के रखिए, क्योंकि जब वो आप फिल करते हो ना उसका कोड सा दोबारा दोबारा, वो इरिटेशन होती है। एक बात हाँ पूछ लेना, कैफे वाले के पास जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, जहाँ अलग से वीडियो बना देता हूँ इस पर। चलो इमेज जो है आपकी, फोटो चाहिए, आप क्लिक कर लीजिए, क्लिक करके आपको मेल कर लीजिए, मेल करके उसको रीसाइजर है, इस पर अलग से वीडियो बना देता हूँ कि उसको रीसाइज कैसे करना है, क्योंकि वो जेपीजी में होनी चाहिए, जहाँ जेपीईजी में, जहाँ पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। नंबर एक, डरावने शब्द है लेकिन वेरी इजी है ना। डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ फाइल मस्ट बी, इमेज की, फोटो की बात कर रहा हूँ, फोटो की 300 विड्थ पिक्सल के 300 हाइट पिक्सल, पिक्सल ये जरूरी है, 300 × 300 ओके, ये पिक्सल है। तो साइज ऑफ इमेज कितना चाहिए, 200 KB, क्योंकि ये बढ़ जाता है। तो ये रीसाइज कैसे करनी है, वीडियो आपको मिल जाएगा, आप खुद कर सकते हो, मोबाइल पर हो जाती है, टेक्नोलॉजी है बहुत जाने, तो आप जानते होगो। लेकिन इसके कारण आपको कैफे वाले के पास जाके जा अपना, कैफे वाले की इसलिए बता रहा हूँ, कई बार गड़बड़ बहुत हो जाती है, मैं नहीं कहता उनका रोजगार है, जाइए आप लेकिन इंफॉर्मेशन करेक्ट आप बताइए, उनसे मत लीजिए। दूसरा, आपको सिग्नेचर, एक ऐसे अपने सिग्नेचर करके फोटो क्लिक करके उसको भी रीसाइज करना होगा, सिग्नेचर को, ये भी जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फॉर्मेट में चाहिए, डायमेंशन की चाहिए, जो विड्थ है 300, विड्थ है 300 और हाइट उसकी 90 पिक्सल, पिक्सल में है ये पिक्सल। अच्छा, इसका वीडियो मिल जाएगा। और सिग्नेचर जो इसका मैक्सिमम साइज कितना चाहिए, 200 KB। तो ये थे, इसके अलावा आपको जो पेमेंट करनी है, जो भी फीस आती है 2400, 2500, 2600 के करीब हो सकती है, जनरल कैटेगरी के, रिजर्व की कम, तो वो पे करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम पहले से तैयार रखना चाहिए, वो ये बता देंगे जब ओपन होगा। तो लास्ट में अपने सबमिट करके आपको पेमेंट का मोड कोई ना कोई चूज़ करना है। चलान भी ऑप्शन देते हैं, बैंक में जाके फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं, तो ऑनलाइन आप इजीली प्रेफर कर सकते हैं। शुरू में सर्वर की ये वो प्रॉब्लम आएगी, टेंशन नहीं लेनी, तो टाइम मिलेगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। हाँ, टाइम मेरा कम लगता है लेकिन गाइड ज़रूर करूँगा, जिनको देर से वीडियो भेज रहा हूँ उनके लिए वेरी सॉरी। हाँ, वो तैयारी के लिए थोड़े जीके के क्वेश्चन छोटे छोटे बना रहा हूँ, वो साथ साथ में देखे जाइए, सफिशिएंट है। और पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लीजिए, 2022 का पेपर भी अभी तक आ जाएगा, आ चुका होगा, तो वो ज़रूर एक बार सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी निराला है और उसके अनुसार ही पेपर आएगा, तो उसके रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।